हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करने वाले पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था कुछ याद है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दो चीज फाइंड करना है, बराबर है। अब थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लेंगे, है वैसा ही, कुछ नया नहीं आने वाला। टेक्स्ट बुक पेज जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें 278 की पुरानी टेक्स्ट बुक है, नए टेक्स्ट बुक का आई डोंट नो, ये देखना। रेडियंस गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नए टेक्स्ट बुक में क्या पेज नंबर है देख लेना, सम यही मिलेगा आपको। मिला क्या? रेडियंस गार्मेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर रेडीमेड 234, नए टेक्स्ट बुक में 234 और पुराने टेक्स्ट बुक का जो मैंने रेफर किया वो 278 है, ठीक है। चलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी 1, 2, 3, 4, चार क्रेडिट पॉलिसीज है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज दिया हुआ है और उनका सेल्स दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ और चार पॉलिसीज बनने वाले, एंड देन हमको कंपेयर करना है, ठीक है। फॉर्मेट बना देता हूं, सेम फॉर्मेट अभी मैंने दो बार लिखा है, आप पूरा एक पेज में ऐसा ज्वाइन करके बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्या आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, आप ऐसा प्रिपेयर करो, दो बार फॉर्मेट लिखने का दो बार लिखो, आपकी मर्जी है, ओके। फॉर्मेट के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल तो कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट मिलेगा। फिर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एवरेज डेटर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, पॉलिसी बेनिफिट, बराबर है यहां तक। चलिए देखते हैं, रेडियंस गार्मेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर रेडीमेड गार्मेंट एंड सेल देम ऑन क्रेडिट बेसिस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डीलर्स। इट प्रेजेंट सेल्स इज रुपीज 60 लाख पर एनम विद 20 डेज क्रेडिट पीरियड। पहला पॉलिसी 20 दिन के उधार के लिए और हमारा सेल्स कितना हो रहा है? 60 लाख रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद दिया है The company is contemplating an increase in the credit period with a view to increase the sales. सोच रहे भाई अपने को उधार बढ़ाना चाहिए ताकि अपना सेल्स बढ़े, ठीक है। सोचने का कुछ कर नहीं सकते अपन। The present variable cost is 70% of sales. Variable cost कितना है? 70%। किसका? सेल्स का। सेल्स मालूम है? हाँ सर मालूम है। तो 60 का 70% कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 42। वेरिएबल कॉस्ट 42, बराबर। अभी 4,20,000 दिख रहा है वहां पे, 42 लाख आएगा मेरे को जहां तक लगता है, बराबर है। तो माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 62 माइनस 42, 18 लाख। उधर एक जीरो कम है लेकिन समझ में तो आ गया, ठीक है क्या। अब आगे बढ़ते, एंड द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख पर एनम। फिक्स कॉस्ट भी दिया है 8 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मेरा प्रॉफिट मुझे मिल गया है। जैसे ये मिला है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो खर्चा आने वाला वो भी माइनस कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डेटर्स यहाँ पे किस पे वैल्यू होगा? वेरिएबल और फिक्स। जब क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दिया है तो इन्वेस्टमेंट डेटर्स वेरिएबल प्लस फिक्स पे होगा, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो इन्वेस्टमेंट डेटर्स आर वैल्यूड एट सेल। कल का सेल्स पे लिया था, उसके पहले वेरिएबल और फिक्स पे लिया था, आज वेरिएबल प्लस फिक्स। 42 लाख प्लस 8 लाख 50 लाख, इन्वेस्टमेंट 50 लाख, अरे बराबर, समझाइए। एवरेज डेटर कितने 20 दिन के उधार पे दिया है? अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, तो हम कैसे निकालेंगे? 50 लाख इंटू 20 डेज, 20 इधर 2 लिखा है, 20 डिवाइड बाय 360, कितना? 2,77,777.77777, मैंने 78 कर दिया। अरे समझा? चलिए इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है? तो 25% किसका कैलकुलेट करने का? एवरेज डेटर्स का। तो 2,77,777.77 का 25% 69,444.44 जो भी आ रहा है, लिख दिया। अब प्रॉफिट कितना आएगा? तो 10 लाख प्रॉफिट था लेकिन ये खर्चा एक्स्ट्रा आ गया, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,30,556। डन।
या इधर कोई बेनिफिट होगा क्या? नहीं, ये तो प्रेजेंट पॉलिसी है, उसमें कभी बेनिफिट होता नहीं है। अब हमको देखना है 30 डेज का उधार, फिर 40 डेज का उधार। अब ये ऐड होगा कि 20 में 30? नहीं, कल के समय बोला था इतने दिन का उधार बढ़ाएंगे, तो प्रेजेंट के अंदर हमने उतना दिन ऐड किया था, बट इधर क्लियर बोला है 30 दिन का उधार, 40 दिन का उधार, 50 दिन का उधार, 60 दिन का उधार। ये 30 और 20 50 नहीं करेंगे, 40 और 20 60 नहीं करेंगे। कल के और इसमें सेंटेंस क्लियरली है, यहाँ पे उसने बोला एवरेज कलेक्शन पीरियड इन द डेज विल बी 30 डेज ओनली, मतलब उधार सिर्फ 30 दिन का है, 50 दिन का नहीं है, समझा? तो 30 दिन का अगर आप उधार देते हो तो आपका सेल्स कितना हो जाता है? वेरिएबल खर्चा तो 70% ही रहेगा, बदलने वाला है क्या? बट 65 का 70%, तो 65 लाख का 70% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 45 लाख 50,000। अच्छा, सबका सेल्स लिख दिया साथ में, 45 लाख 50,000, समझ में आया क्या? 40 डेज का उधार लिया था, 40 डेज का तो सेल्स कितना था? 50 डेज का सेल किया तो 74, एंड 60 डेज का उधार किया तो 75। वेरिएबल खर्चा सब में सेम रहेगा, 70% 70% 70%, कैलकुलेट करके चेक करो। देखो इसका 70 तो 49 दिख रहा है मेरे को मालूम है, 74 लाख का 70% देखो 51 लाख 80,000, 75 लाख का 70% 52 लाख 50,000। सब में माइनस करेंगे क्या मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन? चलिए 65 लाख 50,000 माइनस 45 50 1950 30, मतलब 21 इधर माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 22 लाख 20,000। यहाँ पे 22,50, समझा? फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में किधर भी कुछ भी नहीं बोला है और कुछ कहीं पे पॉइंट्स भी नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले कितना था, अभी भी कितना रहेगा? 8 लाख इधर भी रहेगा, 8 लाख इधर भी रहेगा, 8 लाख इधर भी रहेगा, 8 लाख इधर भी रहेगा। तो 19 लाख 50 में 8 लाख जाएगा तो 11 लाख 50, 21 में 8 जाएगा 13 लाख, 22 में 8 जाएगा 14,20, 22 में 8 जाएगा 14,20,50, बराबर। सबका मुझे प्रॉफिट मिल गया है। अब मैं सबका क्या निकालूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेटर्स कितना आएगा? 45 लाख 50 प्लस 8 45 50 प्लस 8 54 50 हाँ 53 50, बराबर है ये, समझा? हाँ, कितने दिन का उधार पे ये? 30 49 प्लस 8 57, बराबर ना? 51 80 प्लस 8 59 52 प्लस 8 60 50। सबका इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट के बाद अपन क्या निकालेंगे? एवरेज डेटर्स, ये कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। तो 53 लाख 50,000 × 30 / 360, 4 लाख 45 833 57, कितने डेज के लिए? 40 डेज के लिए। तो × 40 / 360 33,333 59 80 इंटू कितने डेज के लिए? 50 डेज के लिए 8,30,555, बराबर। फिर 60 लाख 50 कितने डेज के लिए? 60 डेज के लिए, कैलकुलेट कर लो 10,08,333.33। कैलकुलेशन समझा? एवरेज के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट? 20. तो किसका? 4,45,833 का कितना परसेंट? 25%। देखो कितना आ रहा है? 1,11,458.something, 6,33,333 का कितना परसेंट निकालोगे? 25% निकालो, 1,58,333, 8,30,556 का 25% वैल्यू 7,639, वेरी गुड। 10,08,333 का 25% वैल्यू 2,50,083, समझ गया? अब इसका प्रॉफिट का इतना बढ़िया खर्चा आया तो इधर नेट प्रॉफिट आएगा, देखो माइनस करके
11 लाख प्रॉफिट था, खर्चा आया अपॉर्चुनिटी का 1,11,000, माइनस करो देखो कितना आ रहा है, 10,38,542। इधर प्रॉफिट कितना था, 13 लाख, खर्चा कितना है 1,58,333, माइनस कर दो, यहाँ पे 14,20,000 प्रॉफिट था, अपॉर्चुनिटी 2 लाख का खर्चा आया है, 12,12,361, 14,50,000 था, 2,52,000 का खर्चा आया है, 11,97,970। अब पॉलिसी बेनिफिट निकालेंगे, जब मैं उधार 20 दिन का दे रहा था, मैं 9 लाख कमा रहा था, 30 दिन का उधार दिया तो 10 लाख कमाया, 11 लाख कमाया, 12 लाख कमाया, फिर वापस 11 लाख पे आ गया, मतलब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कंपेयर टू कम ही हुआ रहेगा। अब कितना है, तो जो भी तुमने नया प्रॉफिट कमाया उसको ओल्ड प्रॉफिट से माइनस करने का, 10,38,542 माइनस 9,30,556 कितना, 1,07,986, 11,41,667 माइनस 9,30,556 कितना 2,11,111। चलिए ठीक है, 12,12,361 माइनस 9,30,556 2,81,865 तो जीरो रहेगा, 6 के जगह पे वो और 6 लिख दिया रहेगा, जीरो रहेगा, ये 0,5 आएगा यहाँ पे, 2,81,805, 11,97,917 माइनस 9,30,556। अब बताओ कौन सा पॉलिसी बेटर है, 2,81,000 वाला, बिकॉज इधर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, इधर 2,11,000 हो रहा है, 2,80,000 बाद में इधर कम हो रहा है, तो ये तो नहीं देंगे, बट मैक्स टू मैक्स अपन कितने दिन का उधार दे सकते हैं, तो हमको एज अ क्रेडिट मैनेजर बोलना है कि भाई आपके पास देखो प्रेजेंटली आप 9 लाख रुपया कमा रहे हो, अगर आप वही चीज उधार दोगे तो आप प्रेजेंट से 2 लाख रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, समझ में आया क्या, तो ये आपका टॉपिक है, सम क्लियर अच्छे से, और एक सम करते हैं वही पेज पे है, यहाँ पे आपकी बुक में मेरे को मालूम नहीं, हिमांशु लिमिटेड वही पेज पे ही है, हिमांशु यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज, मतलब तीन ही है, प्रेजेंट पॉलिसी दिया है और प्रपोज दिया हुआ है, यहाँ पे एक नया एक्सपेंसेस एड ऑन हुआ है, कुछ बदलना नहीं है, जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। हिमांशु लिमिटेड हैज अ प्रेजेंट एनुअल सेल्स लेवल ऑफ 10,000 यूनिट एट ₹330 पर यूनिट, द वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इज गिवन टू यू पर एनम, प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द कंपनीज फॉर 1 मंथ, कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोज इंक्रीज क्रेडिट पीरियड फॉर 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स एंड हैज मेड द फॉलोइंग चेंजेस। फिर फिक्स कॉस्ट के बारे में ये सब चीजें दी गई, फॉर्मेट बना दिया एक 1 मंथ के लिए, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, बराबर फॉर्मेट सेम है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल द कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एवरेज डेटर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके अलावा मैंने और एक एक्सपेंसेस लिखा। अब ये एक्सपेंसेस आप ऊपर भी माइनस कर सकते हो, यहां भी माइनस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और जो भी एक्सपेंसेस अगर फ्यूचर में कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आया तो आप इधर से माइनस कर सकते हो, ठीक है। सर आपने ऐड लिखा, बताऊंगा वो ऐड का मतलब माइनस क्या है, क्लियर है यहां तक, स्टार्ट करते हैं। कितना यूनिट बेचना है मुझे, कितने में बेचना है, 330 ना, 300 लिखा है, 300 है कि 330 है, 300 है, तो फिर इधर टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, 300 रहेगा, तो 10,000 × 300 30 लाख, तो इधर मिस्टेक है, यहाँ पे 330 नहीं 300 है, ओके, इधर आंसर में राइट है, इधर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। आगे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 200 रुपए, तो 10,000 × 200 20 लाख हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल तो क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख, फिक्स खर्चा बोला है कितना है 3 लाख, 10 में से 3 जाएगा तो प्रॉफिट, प्रेजेंट समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का फॉर्मूला क्या है बोलो, या तो सेल्स या तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्या लोगे यहाँ पे, वेरी गुड, वेरिएबल कितना है 20,
23 कितना है 3, 20 प्लस 3 23। एवरेज कितने मंथ्स का उधार है ये? 1 मंथ का है, तो 23 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, 1,91,666.6 राउंड अप कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? द कंपनी प्लान्स टू प्री टैक्स रिटर्न कितना परसेंट? 20%। तो भाई 20% निकालो कितना आ रहा है देखो, 38,333। अब हम क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट है उसमें से माइनस करते थे, हाँ या नहीं? क्वेश्चन पढ़ो अगर ध्यान से, क्रेडिट 1 महीने का उधार दे रहे हो, इंक्रीज इन सेल नहीं होगा बट परसेंटेज ऑफ बैड डेब्ट्स दिया है 1, जो भी तुम्हारा सेल्स है उसका 1% बैड डेब्ट्स है, तो 1% बैड डेब्ट मतलब 30,000 बैड डेब्ट्स है। अब ये भी खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, 7 लाख रुपए से इन दोनों को ऐड करके इकट्ठा माइनस करो या इधर माइनस करके लिखो। मैंने ऐड इसलिए किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसको ऐड करने का और 7 लाख में से माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे ऐड बैड डेब्ट्स लिखा है। समझा? आपको नहीं समझ में आया, लेस बैड डेब्ट्स 7 लाख रुपए में से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये बैड डेब्ट्स दोनों माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। समझा? माइनस करो बताओ कितना आ रहा है, 6,31,667 बराबर। क्या इधर पॉलिसी बेनिफिट होगा क्या? ये प्रेजेंट पॉलिसी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप 2 महीने का उधार देते हो या 3 महीने का उधार देते हो तो आपका जो सेल्स है वो 15% और 30% बढ़ेगा, बराबर। तो पहले मेरा सेल्स कितना हो रहा था, 10,000 यूनिट हो रहा था, सेल्स इज अ वेरिएबल, तो 10,000 यूनिट हो रहा था, अब 15% बढ़ जाएगा तो 10,000 का 15% करोगे तो 1500 रुपया आएगा, आएगा ना, तो आपका सेल्स 11,500 यूनिट होगा। सेलिंग प्राइस किधर बढ़ेगा घटेगा क्या ऐसा कुछ दिया है क्या? पढ़ते, देयर विल बी इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट बाय 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल्स बियॉन्ड 25%। अगर आपका सेल्स प्रेजेंट लेवल से 25% बढ़ता है तो फिक्स एक्सपेंसेस भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आपका सेल्स 25% से कम ही बढ़ रहा है तो फिक्स एक्सपेंस बढ़ने वाला है क्या? नहीं। इस सिचुएशन में मेरा सेल्स कितना परसेंट बढ़ा है, 50%, तो क्या मेरा फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कंपनीज प्री टैक्स मतलब और कुछ भी चेंजेस नहीं है, मतलब सेलिंग प्राइस 300 था तो इधर भी सेलिंग प्राइस 300 ही रहेगा। तो 11,500 इंटू 300 करो कितना, 34,50,000। वेरिएबल खर्चा कितना था, 200 रुपया, वो 200 ही रहेगा। यूनिट्स कितना रहेगा, 11,500, 200 के हिसाब से 23 लाख। माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 11,50,000। फिक्स खर्चा कितना, 3 लाख जो था वही रहेगा। 11 लाख में 3 लाख माइनस करेंगे तो 8,50,000 बराबर है, मिल गया प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 30 लाख प्लस 3 लाख 26 लाख। अरे यस, कितने महीने का उधार है, तो 26 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 12 कितना, 4,33,333। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट है, 20%, तो इधर 20% निकालो, 86,66। उसके अलावा बैड डेब्ट्स दिया है, हाँ सर दिया है, कितना परसेंट है, 3%, किसका, सेल्स का, 34,50,000 का 3% निकालो, 1,03,500 बराबर। अब ये दोनों एक्सपेंसेस आपके इसमें से माइनस होगा, 8,50,000 में ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर दो। समझा सब? समझा? नेक्स्ट, कितने महीने का क्रेडिट पॉलिसी चल रहा है, 3 मंथ्स। सेल्स बढ़ेगा, हाँ सर 30%, पहले सेल्स 10,000 था, अब 30% 10,000 का 3,000 आएगा, मतलब 13,000 हो जाएगा, बराबर है। और याद रखना, जैसे ही आपका सेल्स 25% के ऊपर बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, इधर फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला है, सेलिंग प्राइस बदलने वाला है क्या, तो ये कितना रहने वाला है, 300 ही रहने वाला है, तो 13 × 300 39। वेरिएबल 200 रुपए रहेगा, 13,000 × 2 26 लाख बराबर, 39 में से 26 जाएगा 13 लाख बराबर ना।
फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 3,50,000 माइनस करेंगे 3,50,000, 9,50,000 प्रॉफिट। समझ में आ गया? अरे यस, बताओ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्या आएगा? 26 लाख प्लस 3,50,000, 29,50,000। कितने महीने का उधार है? 3 मंथ्स का। इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे कितना आएगा? कितना? 7,37,500। समझ में आ गया क्या? पक्का? हाँ। एवरेज डेटर्स तो हो गया, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना परसेंट? 20%। तो 7,37,500 का 20%। समझ में आ गया? अब ये मिलने के बाद बैड डेट्स है 5%। 5% किसका? 39 लाख का। कितना? अब ये दोनों खर्चा आपके नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा, तो 9.5 लाख रुपए में ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 6,75,000 पॉलिसी बेनिफिट, पहले 6,31,000 था, अभी 6,07,000 हुआ, तो 6,07,000 में 6,31,000 माइनस करोगे तो आपको आंसर माइनस में आ रहा रहेगा। तो यहाँ पे अपने को लॉस हो रहा है और यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो यही पॉलिसी बेटर रहेगा, बराबर है? तो सजेशन रहेगा कि ये पॉलिसी आपको एडॉप्ट करना चाहिए। समझा? सेल्स बड़ा फिर भी लॉस हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है? बस यही है टॉपिक। अभी आपने 3 लेक्चर्स अटेंड किए, कुछ नया तो मेरे हिसाब से लगा नहीं, दैट डेट्स एड ऑन हुआ है, लेकिन इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो। पक्का 100%? फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।